बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। अल्पाइन कॉलेज के मालिक को जेल। छात्रवृत्ति घोटाले में करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप। एसआईटी ने आरोपी अनिल सैनी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है देहरादून से, अल्पाइन कॉलेज के मालिक को जेल। छात्रवृत्ति घोटाले में करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप। एसआईटी ने आरोपी अनिल सैनी को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अल्पाइन कॉलेज के मालिक को जेल। छात्रवृत्ति घोटाले में करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप। सौरभ भाटिया जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से। सौरभ, छात्रवृत्ति घोटाला, करोड़ों का गबन और अब अल्पाइन कॉलेज के मालिक को जेल, पूरी खबर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, उसके बाद जो है हर आदमी को एक चिंता की बात भी सामने आई थी कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला समाज कल्याण विभाग में हो जाता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है। अब जब जो है पूरी मामले में एसआईटी जांच कर रही है तो तमाम तथ्य भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अल्पाइन कॉलेज के मालिक को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद जो है इनको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जो है इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है। इसके साथ ही और भी तमाम तथ्यों पर अब पुलिस जांच पूरी करने जा रही है, जिससे जो है और भी कई कॉलेजेस के नाम सामने आएंगे। पहले ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर के बेटे अमित कपूर का नाम जो इस घोटाले में शामिल हुआ था और अब अल्पाइन कॉलेज के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में जल्द ही यह उम्मीद की जा रही है जो समाज कल्याण विभाग का छात्रवृत्ति घोटाला था उसमें कई और बड़े लोगों का भी शामिल होते हुए उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सौरभ, अल्पाइन कॉलेज के मालिक अनिल सैनी की भूमिका क्या थी, किस तरह की भूमिका रही? आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिन पर जांच की तलवार जो एसआईटी के रडार पर होंगे, लेकिन अल्पाइन कॉलेज के मालिक अनिल जैन की भूमिका क्या थी, किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कॉलेज में छात्रवृत्ति के नाम पर एडमिशन किए गए, एक एक बच्चे के तीन तीन जगह पर एडमिशन हो जाते हैं और उनकी कारों का जानकारी तक नहीं जो है विभाग को दी जाती है, उसके बाद जो है एक फीस का स्ट्रक्चर भेज दिया जाता है कि इन छात्रों का एडमिशन कर दिया गया और उसके बाद जो है इनको दाखिला दे दिया गया। लेकिन तमाम ऐसे छात्र थे जिनके आधार कार्ड लगाकर समाज कल्याण विभाग से पैसा वसूला गया है, जिनसे जो है छात्रवृत्ति के नाम पर मोटी रकम वसूली गई है, वो करोड़ों रुपए में पहुंच गई है। अब जो है जब एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की तो तमाम वो तथ्य भी निकलकर सामने आए हैं और अब जो है कार्रवाई की जा रही है। जी, समाज कल्याण विभाग में बैठे लोगों की संलिप्तता के चलते बिना चले काम नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा।